तो बेसिकली मैं बनाना चाहता हूं अटेंडेंस, और अटेंडेंस वो भी बायोमेट्रिक डेटा से। अब यह क्या है समझिए, पहले आप ऑफिस में जाते हैं, आपकी अटेंडेंस लगती है, आप अटेंडेंस लगाने के लिए रजिस्टर या आपके जो टीम मेंबर हो वो अटेंडेंस लगाते हैं, बस उस अटेंडेंस को वेरीफाई कैसे किया जाता है? तो वेरीफाई किया जाता है आपकी एक्सेस कार्ड से। बहुत सारी कंपनी करती है, बहुत सारी नहीं भी करती होगी। तो मंथ एंड में जब अटेंडेंस बनती है तब आपके टीम से, जो एडमिन टीम है, वहां से मांगा जाता है एक्सेस कार्ड का या थंब इंप्रेशन का डेटा कि कितना बार आपने एक्सेस कार्ड यूज करके या थंब यूज करके आपने डोर को ओपन किया है बाहर जाने के लिए और अंदर जाने के लिए। अब यही डेटा मेरे पास आया हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं कि नेम वाइज, हो सकता है आईडी भी हो लेकिन फिलहाल हम नेम लेके चलते हैं, नेम वाइज किस पर्सन ने कितना बार इंट्री किया है, किस पर्सन ने कितना बार इंट्री किया है। अब मुझे इसके ऊपर इस तरह का रिपोर्ट चाहिए कि पूजा ने 1 जून को प्रेजेंट हुआ है क्योंकि इसने 2 बार इंट्री की है। इसने कितने बार एंट्री की है? 2 बार एंट्री की है। अब यहां पे देख सकते हैं कि 5 जून को पूजा ने कोई एंट्री नहीं की है, उसका रिजल्ट 0 आया, तो यहां पे अब्सेंट आ गया। तो क्या बनाना है समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो, जयवर्धन जी, यस अबासी जी समझ यस में यस आया क्या करना है इस पे? अटेंडेंस शीट बनाना है। यस सर, अब क्या करते हैं, चलिए बनाता हूं मैं। पिवट टेबल लिया, नेम को मैंने यहां पे रखा, स्कैन डेट को मैंने कॉलम में रखा, बट स्कैन डेट कॉलम में रखते ही आप देखिए इस तरह से ग्रुपिंग में आ गया। आप यहां दिख रहा होगा ना, इस तरह का आ गया जो कि गलत है, क्योंकि तो यहां पे आप देखेंगे कि अगर मैं इसको अनग्रुप कर दूं तो यहाँ पे एक एक डेट की बहुत सारी एंट्री आ गई है। वैसे तो नहीं, एक डेट की बस एक एंट्री है। तो राइट क्लिक किया ग्रुप और जस्ट मैंने इसको डेट सेलेक्ट कर लिया। क्या सेलेक्ट कर लिया? डेट। तो एक एक दिन का ये आ गया, और टाइम वाइज तो था क्योंकि यहाँ पे डेटा में टाइम वाइज है ना कि 1 तारीख 1 तारीख 45 को, फिर 1 तारीख 10 को, इसलिए इस तरह से आया था। तो हम इसको गेट बाय ग्रुप कर दिए, तो एक दिन का यहाँ पर एक ही बार आया है। फिर हम स्कैन डेट को लेंगे वापस, वैल्यू में देंगे जहां पे इसका काउंट आ जाएगा। अब काउंट आ गया तो सबसे पहले तो मैं राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस में टोटल एंड फिल्टर हटा देता हूं। उसके बाद जहां जहां नहीं आया ना वो ब्लैंक है, तो राइट क्लिक कर पिवट टेबल ऑप्शंस और यहां हमने 0 कर लिया। क्या कर दिया? 0 कर दिया। 0 करने के बाद जस्ट हम यहाँ पे ओके करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ जहां जहां एब्सेंट था वहां वहां 0 आ गया। अब मुझे इसको ऐसे ही नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो नंबर्स है जो 0 से बड़ा है, मतलब कि किसी ने एक बार भी एक्सेस कार्ड यूज किया, इसका मतलब वो दिन ऑफिस आया था हो क्या? हाँ जिसने एक दिन भी ऑफिस यूज किए तो वो आया है। तो यहां पे हम पहले डेटा को सिलेक्ट करें। पर आपको याद होगा कस्टम फॉर्मेटिंग की क्लास जो बताई थी आपको, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह बताया था, उसी का इस्तेमाल हम यहां करेंगे। तो फॉर्मेट सेल कस्टम, और यहां पे हम कर देंगे पी सेमी कॉलन ए, नहीं ए नहीं, यहाँ पे ब्लैंक करना है, और फिर यहाँ पे ए करना है। ठीक है, तो आ गया पहला पॉजिटिव का, दूसरा निगेटिव, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, और तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका है 0, जो कि हमने ए लिख दिया है। तो यहाँ जो नंबर्स इसको प्रेजेंट कर देगा पी कर देगा, और जो 0 है उसको ए कर देगा। ठीक है सर, हाँ आया समझ में सर?
क्या बैसी जी, समझ में आया आपको? जी सर। इसमें एक ब्लैंक काम, क्यों छोड़े, इसमें ब्लैंक क्यों छोड़े सर? प्रेजेंट या एब्सेंट होगा बीच में, कहाँ ब्लैंक है कब यहाँ में पे? ब्लैंक? और उसमें सर लग हाँ रहा है हाँ आप कस्टम सर, फॉर्मेटिंग क्लास भूल गए। हमने बताया था ना इसमें तीन पोजीशन होता है, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो एंड ओके। टेक्स्ट। हाँ, तो निगेटिव तो है नहीं ना इसमें, इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया ना। सिक्वेंस ओके लेके चलना होगा ना हमें। क्लियर है? हाँ अब मेरे पास दूसरा डेटा है। अब इस बार जो डेटा है इसमें मुझे क्या है कि इन एंड आउट दोनों है, कि कौन कितना बजे इन हुआ और कितना बजे आउट हुआ, ऑफिस से बाहर गया। और मुझे कुछ इस तरह की रिपोर्ट चाहिए कि किस पर्सन ने किस डेट को कितना बजे आया और कितना बजे गया, समझे? ये चाहिए मुझे। लेकिन ये आपको बनाना है, मैंने बताया था कि आधा मुझे करना है और आधा आपको करना है, समझ गए? हेलो, हेलो जी, आपकी ईमेल आईडी क्या है? कुमार, KUMAR, कुमार ए, आगे। और अब्बासी जी का है? अब्बासी अब्बासी आईडी ना? हाँ, ये है सर। फाइल हम इसको अटैच कर देते, सेव कर देते। अब बैठ के आप बनाइए और बना के मुझे भेजिए, ठीक है? फिर हम अगली पिवट टेबल कल की क्लास में आपके साथ कैलकुलेशन करेंगे। बीच में ऐसी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट होते रहना चाहिए ताकि पता चले आपका हो क्या रहा है। सर ये कल कल वाली क्लास वाला भी डेटा भेज देंगे क्या? एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे उसका, कल वाले का, कबली क्लास की क्या बोल रहे, कल वाली जो क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग पिवट चाहिए या टेबल डेटा का, चाहिए? नहीं डेटा, डेटा जो जिस पे हम लोग बना रहे थे, कल सीखे थे, तो ठीक है, भेज देता हूँ, निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक हाँ एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे उस पे। कल मैं भी नहीं हूँ सर। मैं सबको भेज देता हूँ। रिकॉर्डिंग मेरा पास है सर, मतलब टुमारो का बात कर रहा हूँ। अगर कल तो मैं तो एक जगह जा रहा हूँ, उधर सीखना शायद नहीं है, तो मेरा ऑफ चाहिए। चलिए, ओके, मिलते हैं कल। रिकॉर्डिंग देखता हूँ, वैसे जी निकाल के देता हूँ।